इसी क्रम में एक अगला दोहा आपके बीच पेश कर रहा हूँ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को बांस के टोकरे में सुला करके पेड़ों की डाली पर माताएं उन्हें रस्सी से बांध करके फिर झूले को झुलाती है, और ये गांवों के अंदर हम देखते हैं और हम सभी उसी में झूले हैं। वही शाखाएं मनुष्य से क्या कहती है, देखें। झूले लाखों झूलते हरे पेड़ की साख, पूछे शाखाएं सभी सूखी कैसे साख। वाणी कविराज कहते हैं कि जन्म के पश्चात कई महीनों तक हरे पेड़ की डालियों के ऊपर माताएं अपने बच्चे को उस टोकरे में सुला करके रस्सियों से उस शाखा से टोकरे को बांध देती है, फिर झुलाती है। बच्चे झूलते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे की डाढ़ी मूंछें आ जाती है, बच्चे स्वार्थी चिंतन से फिर उन पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। तो पेड़ों की वही शाखाएं उन्हीं बच्चों से पूछ रही है, वो क्या कह रही है, लाखों झूले लाखों झूलते, एक दो नहीं हजार नहीं लाखों की तादाद में झूले हमारे इन पेड़ों की शाखाओं से बांधे गए और झूले झूले हैं। आपने आनंद पाया है, आपने अपना बचपन बिताया है, अब वही शाखाएं आपसे प्रश्न पूछती हैं। हमारा प्रश्न इतना सा है कि सब कुछ होते हुए कोई विशेष परेशानी आपत्ति संकट आपके जीवन में नहीं आया, फिर किस कारण से पेड़ों की शाखाएं काटी गई, पेड़ काट दिए गए, कहीं कोई विशेष परिस्थिति इमरजेंसी या विशेष परिस्थिति रही होगी, तो क्या उसके एवज में आपने कितने पेड़ और लगाए? क्या पेड़ लगाना आपका कर्तव्य नहीं बनता? अपने मतलब स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पेड़ काटना आपने एक मिनट में निर्णय ले लिया, लेकिन अगले मिनट में अगले दिनों में कभी ये भी सोचा कि इसके बदले में चलो हमने 50 पेड़ काटे हैं तो चलो 200-250 पेड़ कहीं अच्छी जगह पर हम और लगाएं और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का अच्छा प्रयास करें। तो पेड़ की शाखाएं बस यही शिकायत कर रही है कि ये शाखाएं क्यों सूख गई, ये पेड़ क्यों कट गए, आपकी मजबूरी थी तो क्या इनके एवज में आपने दूसरे पेड़ कितने लगाए। इस प्रकार के कुछ अंतर्मन की वार्ताएं चल रही है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।